गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा था पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। ये आपकी बुक है मैथ बूस्टर, इसके राइटर हैं एस चिम्बर और पब्लिशर है सृजन। पब्लिशर की ये बुक है क्लास फिफ्थ और हमारा चैप्टर चल रहा था पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम, जिसके अंदर से मैंने आपको पेरीमीटर और एरिया की एक्सरसाइजेस करा दी थी। आज हमारा न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है वॉल्यूम। ये आपकी बुक में पेज नंबर 221 पेज नंबर पर अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम है क्या? द अमाउंट ऑफ स्पेस, द अमाउंट The amount of space occupied by a substance, by a solid or substance is called volume। यानी किसी भी solid या किसी भी चीज के द्वारा जगह घेरना क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम कहलाता है। जैसे कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें जगह ये रखी है, ये बॉक्स है, ठीक। या फिर कह सकते हैं ये बॉक्स है, इसको ऐसे रख दीजिए, ये ब्रिक है, ब्रिक मतलब ईंट है, क्या ये ब्रिक है, तो इसमें भी क्या है, जगह घिरी हुई है, इसे कहेंगे हम वॉल्यूम, जगह घिरना। अब हम इस चैप्टर में दो चीजों के वॉल्यूम पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? रेक्टेंगल से। कैसे बना हुआ है देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पहले बात करते क्यूबॉइड की क्या होता है। रेक्टेंगल है एक, एक और रेक्टेंगल है, ये क्या है, ये है क्यूबॉइड। क्या है ये? क्यूबॉइड। ये इसकी लेंथ है, ठीक है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। क्लास आप अपनी बुक में आपको मैं शो कर देता हूं, ये बना हुआ है आपकी बुक में पेज नंबर 122 पर, ये बना हुआ है। ये क्या है? क्यूबॉइड है। इस तरीके का ही क्यूबॉइड मैंने यहाँ बनाया है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। ओके क्लास, तो अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। इसका फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले से कुछ कुछ मिलता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता था? लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। इसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की। क्यूब स्क्वायर की तरह होता है। किसकी तरह होता है? स्क्वायर की तरह होता है क्यूब। ये क्या है? क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब की तीनों साइड बराबर होती है। जैसे स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, ऐसे ही क्यूब की भी सारी साइड क्या होती है? बराबर होती है। यानी ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड।
साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्लियर है क्लास? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। आपने देखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले किससे मिलता जुलता, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले से मिलता हुआ वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है। बस वहां एक एक चीज दोनों में बढ़ गई है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 14.4 की। क्लास फिफ्थ आपको मैंने एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 करा दी थी। 14.3 जो एक्सरसाइज है जो पेज नंबर 221 पर है वो आपको मैंने नहीं कराई है, वो हम जब क्लास खुलेगी जब कराएंगे, क्योंकि वो आपके सामने बैठ कर ही हो सकती है। अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 14.4। एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, इसकी डायमेंशन आपको दे रखी है। पहला क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। लिखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी 4 सेंटीमीटर और हाइट है आपकी 3 सेंटीमीटर। 5 × 4 = 20, 23 = 60 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आएगा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर लगे हुए हैं। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सेकंड देखिए इसका, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। लिखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48। तो ये हो गया 48 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया सेकंड वाला आंसर। ओके, ये हो गए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के दो क्वेश्चन, दो मैंने करा दिए हैं, सी और डी आप खुद सॉल्व करिएगा। ओके क्लास, फिर अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज एज इज, अब इसमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्वेश्चन नंबर 2, साइड है 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके क्लास, नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, आंसर 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, समझ में आ गया? दो क्वेश्चन हो गए, एक और करा देता हूँ आपको।
बाकी आप खुद करिएगा। अब करा रहा हूं आपको डी। डी देखिए इसका 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, तो ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, 6 6 36 36 का 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 36 की 6 सही कैरी, 6 18 3 21 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है क्लास, अब आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होमवर्क पे करके लाइएगा वॉल्यूम के, इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगा। आपको मैंने पहले ही बताया था एक्सरसाइज 14.3 मैंने नहीं कराई है, मैंने स्किप कर दी है, उसे हम बाद में करेंगे। 14.2 के बाद सीधे आप अपनी कॉपी में 14.4 एक्सरसाइज करिएगा, साफ साफ राइटिंग में सारे क्वेश्चंस करिएगा, जो मैं छोड़ता हूँ उन्हें भी करिएगा, और जो मैं कराता हूँ उसे तो करना ही है आपको अपनी कॉपी में। और भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका आज का होमवर्क है। डू एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ओके क्लास, नाउ द क्लास इज ओवर, थैंक यू।